मैं कुसुम, आप देख रहे हैं खबर हरपन न्यूज। आइए रुक करते हैं आज की कुछ खास सुर्खियों की ओर। केंद्रीय उड्डयन मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया के जन्मदिन पर शिवपुरी माधव चौक हनुमान मंदिर पर भाजपा कार्य समिति सदस्यों ने पूजा अर्चना की और ज्योतिरादित्य सिंधिया की लंबी उम्र का वरदान मांगते हुए सुंदरकांड भी कराया। फिर उसके दौरान गरीब और निसहाय लोगों को भोजन खिलाया गया। फिर होटल पीएस में बड़े ही हर्ष और उल्लास के साथ सभी कार्य समिति सदस्यों ने ज्योतिरादित्य सिंधिया का जन्मदिन मनाया। फिर उसके दौरान शाम पाँच बजे माधव चौक पहुंचकर भंडारा वितरण किया गया। कार्य समिति में शामिल सभी लोग प्रदेश कार्य समिति सदस्य हरवीर सिंह, रघुवंशी, विजय शर्मा, पवन जैन, सिद्धार्थ, राकेश गुप्ता जी, मुन्ना लाल कुशवाहा, कपिल भार्गव जी, पवन शिवहरे, हरिओम राठौर, दीपक गोयल आदि लोग मौजूद रहे। हमारे सबके नेता श्री ज्योतिरादित्य सिंधिया जी का जन्मदिन है, सभी लोग उसे हर्षोल्लास के साथ मना रहे हैं और हम सभी ये चाहते हैं कि जो भी लोग भंडारा प्राप्त कर रहे हैं सभी ये दुआ कर रहे हैं कि श्रीमंत देश के सर्वोच्च स्तर पर विराजमान हो और हम सबका नेतृत्व करें और जनता के दुख दर्द दूर करें। जय हिंद। सर, जो आज प्रसाद वितरण कार्यक्रम रखा गया है, किस प्रकार रखा गया है? देखिए, हमारे संचल के मुखिया, हम सबके परिवार के लाडले नेता श्रीमंत ज्योतिराज सिंधिया जी का आज 51वां जन्मदिन है। इस उपलक्ष्य में समस्त कार्यकर्ता, आम जनता इस उमंग और उत्साह के साथ उनका जन्मदिन मना रही हैं। सुंदरकांड के पाठ हो रहे हैं मंदिरों में, कहीं हनुमान चालीसा हो रहा है, कहीं निराश्रितों को भोजन हो रहा है, कहीं कंबल वितरण हो रहे हैं। आज हम माधव चौक पर श्रीमंत माधवराव सिंधिया स्वास्थ्य सेवा मिशन के तहत आम जनता के लिए भंडारे का आयोजन किया गया है। आप देख रहे हो कि आम जन समूह भंडारे के लाइन में लगा हुआ है। कब तक चलेगा सर ये भंडारा? भंडारा लगभग 7 बजे तक चलेगा। 5 बजे हमने शुरुआत की है, हनुमान जी महाराज के यहाँ से भोग प्रसादी का वितरण करके वहाँ से कार्यक्रम की शुरुआत की है। हम सबकी एक ही भावना है कि श्रीमंत महाराज साहब से प्रदेश आगे बढ़े, इस प्रदेश का, देश का नेतृत्व करें, क्योंकि ये जन जन के हृदय में सम्राट हैं और जन जन के हृदय में बास करते हैं। हमारे उपाध्यक्ष जी आपको आगे बताएंगे क्या हमारा मिशन रहा है आज का। सर बताना, ये थोड़ा